स्वामी शरणम एस्ट्रो जेडी पामिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, सही पढ़ा आपने, टॉपिक यही है आज का। यदि किसी हाथ में पर्वत अथवा रेखाएं दोषपूर्ण हो तो उनके दोष से व्यक्ति को मुक्त होने के उपाय बताना जरूरी है। तो आज के इस पार्ट 3 के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार स्वर विज्ञान के उपयोग द्वारा वह क्या उपाय हो सकते हैं कि जिनसे हाथों के पर्वतों और रेखाओं के दोषों को कम से कम किया जा सके। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पर्वतों और रेखाओं के बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए सबसे पहले आज के वीडियो में बात करते हैं स्वर विज्ञान के उपयोग द्वारा किस प्रकार हथेली की रेखाओं और पर्वतों के अमंगल को दूर किया जा सकता है। स्वर विज्ञान या कहें स्वर शास्त्र प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया योग का ऐसा अद्भुत उपहार है जो कि हमारे शरीर और मन पर बहुत तीव्र गति से असर करता है। यह हस्तरेखाओं के परिवर्तन में एक जादू की तरह काम करता है। यह रोग मुक्त करने के साथ मानसिक संतुलन एवं व्यवहारिक दुनिया में संघर्ष के योग्य हमें बनाता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि स्वर विज्ञान योग के सीक्रेट फॉर्मूला की ओर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है। तो सुनिए, यह योगाभ्यास के प्राणायाम का ही एक प्रकार है जो सांसों के स्वर को पकड़कर कार्य करता है और धीरे धीरे आपके जीवन को बदल कर रख देता है। स्वर विज्ञान का अल्प ज्ञान भी हमें काफी सारी दैनिक समस्याओं से बचा लेता है और निरंतर अभ्यास हमें योगियों के स्तर तक ले जा सकता है। हस्तरेखाओं में कई बार हम देखते हैं कि हाथों में रेखाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। जिन व्यक्तियों के हाथों पर रेखाओं का जाल फैला हो, ऐसे व्यक्ति आमतौर पर तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं। आशंकाओं के कारण उन्हें नींद भी कम आती है। ऐसे व्यक्ति को चंद्र स्वर प्रबल बनाने की सलाह देनी चाहिए। स्वर का प्रभाव बदलने की विधि अत्यंत सहज है। चलिए एक बार समझ लेते हैं। मुंह को बंद करके नाक का दायां छिद्र उंगली से बंद करें, बायां छिद्र खुला रखें, नाक से गहरी सांस लें और छोड़ें। इसके बाद मुंह को बंद रखते हुए बाएं छिद्र को उंगली से बंद करें और दायां छिद्र खुला रखें, नाक से गहरी सांस लें और छोड़ें। यह क्रिया 2-3 बार करने से आप जान लेंगे कि नासिका के किस छिद्र से सांस का प्रवाह अधिक सुगमता से हो रहा है। यदि नासिका के दाएं छिद्र से सांस अधिक सुगमता से आ जा रही हो तो उस समय आपका सूर्य स्वर अधिक प्रबल है। यदि बाएं छिद्र से सांस का प्रवाह अधिक सुगमता से हो रहा हो तो आपका चंद्र स्वर अधिक प्रबल है। यदि दोनों छिद्रों से एक जैसे वेग से सांस आ जा रही हो तो सुषुम्ना स्वर प्रबल है। चंद्र, सूर्य तथा सुषुम्ना स्वर थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्वयं ही बदलते रहते हैं। तनाव, क्रोध, डिप्रेशन, अनिद्रा के अवसर पर सामान्यतः है सूर्य स्वर अधिक चलता है। यदि चंद्र स्वर चलाया जा सके तो तनाव कम होता है और नींद की संभावना बनती है। भोजन का पचना, युद्ध, प्रतियोगिता, काम भाव आदि के अवसरों पर सूर्य स्वर के चलने से लाभ होता है। सुषुम्ना स्वर को 1 घंटे से अधिक समय तक लगातार चलते रहना अनिष्टकारी होता है। ऐसे अवसर पर इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। अब मैं इच्छा अनुसार स्वर बदलने की विधि बतलाता हूँ। यदि सूर्य स्वर चल रहा हो और चंद्र स्वर चलाना हो तो दाई करवट लेटें, अर्थात अपनी नासिका का दायां छिद्र तकिए की ओर रखें और बायां छिद्र छत की ओर या आकाश की ओर रखें। 5-7 मिनट में आप देखेंगे कि आपका स्वर बदल गया है। यदि 5-7 मिनट में स्वर ना बदलें तो समझे कि सूर्य स्वर अधिक बलवान है। इसके लिए तनिक अधिक देर तक इसी करवट में लेटे रहें। यदि चंद्र स्वर चल रहा हो और सूर्य स्वर चलाना हो तो ऊपर बताई विधि से विपरीत करवट से लेटें। स्वर बदलने की अन्य विधियां भी हैं जिसके बारे में अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां मैंने केवल मुख्य विधि बताई है ताकि आप अपने आप का अधिक से अधिक हित कर सकें। यह विद्या आपको तुरंत ही तनाव, अनिद्रा और व्यर्थ की आशंकाओं से दूर ले जाएगी और आपको सहज कर पाएगी। उसी सहजता में आप किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में सही निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। स्वर विज्ञान का निरंतर प्रयोग करने से यकीनन आप कार्मिक क्षेत्र में पॉजिटिव सुधार करेंगे और काफी हद तक यह उपाय आपके आने वाले कल को सुदृढ़ अवश्य ही करेगा। याद रखें, यह उपाय एक इस्तेमाल किया जा चुका सोर्स है।
और पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के द्वारा पता लगने वाले दुखों का निवारण करने के बेसिक सूत्र एवं सिद्धांतों में से एक है। योग शक्ति सदैव व्यक्ति को बल प्रदान करती है, पर बहुत बार समस्या ज़्यादा ही गहरी और विचित्र होती है। तो जैसे आप शारीरिक स्वास्थ्य के बिगड़ने की दशा में एक अच्छे क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाते हैं, उसी प्रकार जीवन में अगर ज़्यादा अंधकार, भय और कालिमा महसूस हो तो एक अच्छे ज्योतिषी से मिलने से बिल्कुल ना सकुचाएं और सही समाधान अवश्य लें। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मत है, बाकी सब प्रभु इच्छा पर निर्धारित है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद और समझ दोनों आ गई होंगी। जुड़े रहिए साथ में ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, जो कि होंगे आपकी ही जिंदगी के समरूप। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।